हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं चाबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास। शिमला में जब अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेजों की राजधानी शिमला थी, तो उन्होंने बिजली के लिए एक पावर प्रोजेक्ट सुन्नी के साथ ही चावा नाम के गांव में सतलुज नदी के किनारे बनाया। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है चाबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 1909 में इसका काम होना शुरू हुआ था और 1913 में ये बन के तैयार हुआ। इस पावर प्रोजेक्ट में सतलुज नदी का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि सतलुज रिवर इसके साथ ही है और ये है चाबा पुल। आजकल बरसात के कारण पानी काफ़ी मटमैला हो चुका है, तो चाबा पावर हाउस में पानी आता है नोटी खड्ड से। यहाँ पर जो टॉप में आप ये मकान जैसे देख रहे हैं, ये टॉप में इस पहाड़ी के पीछे है नोटी खड्ड। वहाँ से नोटी खड्ड से पानी यहाँ पर एक जलाशय भी है उसमें किया जाता है इकट्ठा। उसके बाद बड़ी बड़ी इसी पानी की पाइपों में पानी इस पावर हाउस तक पहुँचाया जाता है और वो पानी उसके बाद मिलता है सतलुज नदी में। ये सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। आज भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई मशीनरी इसमें काम कर रही है और उन्हीं से ही बिजली बन रही है। सतलुज नदी में रिवर राफ्टिंग भी काफ़ी होती है। आप यहाँ सतलुज में राफ्ट चलते हुए भी देख रहे हैं और सामने सड़क पर एक गाड़ी राफ्टिंग की बोटों को ले आ रही है। आजकल बरसात के समय थोड़ा फ्लड आ चुका है, तो जो चाबा पुल है उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। बहुत ही शानदार व्यू है। भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए कामों को अगर देखना हो तो चाबा पावर हाउस को ज़रूर ही विज़िट करें। यहाँ देखकर आपको 1909 यानी कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का समय इस पावर प्रोजेक्ट को हो चुका है। इसके एक एक पुर्जे आज भी काम कर रहे हैं। उन पुर्जों को, उन विद्युत परियोजना को कार्य करते हुए देखने का एक अलग ही रोमांच है। पावर प्रोजेक्ट की वायरों को इन पहाड़ियों से ले जाया गया है शिमला के लिए और सारी साल बर्फबारी होने के बावजूद भी शिमला में कभी लाइट के कट नहीं लगते। बहुत ही प्यारा व्यू।